भारतीय मीडिया का कहना है कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से फरार होकर भारत पहुंच गई हैं। हसीना वाजिद गाजियाबाद के हंडन एयरबेस पर पहुंची हैं और भारत पहुंचने पर हसीना वाजिद का फौरी तौर पर लंदन रवानगी का भी इम्कान है। भारतीय मीडिया ने बताया है कि यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि हसीना वाजिद फिनलैंड भी जा सकती हैं। शेख हसीना वाजिद को बंगला आर्मी की जानब से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक़्त दिया गया था। हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकली से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की भी कोशिश की थी। हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं दिया गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से फरार होकर भारत पहुंच गई हैं। हसीना वाजिद गाजियाबाद के हंडन एयरबेस पर पहुंची हैं। भारत पहुंचने पर हसीना वाजिद का फौरी तौर पर लंदन रवानगी का भी इम्कान है। यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि वो फिनलैंड भी जा सकती हैं। शेख हसीना वाजिद को बंगला आर्मी की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक़्त दिया गया। हसीना वाजिद ने महफूज मुकाम पर मुंतकली से कबल तकरीर भी रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, ताहम उन्हें यह मौका ही नहीं मिला।